बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज देश में कोरोना के 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 147 पर पहुंच चुकी है। नोएडा में एक और व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। नोएडा में जिस व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है वो इंडोनेशिया से लौटा था। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। सेना में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। लेह के एक सैनिक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। लेह के रहने वाले सैनिक का पिता ईरान से तीर्थ यात्रा से लौटा था। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का पहला मामला मिला है। हम आपको पूरे देश के कोरोना के सबसे ताजा हालात बता रहे हैं। ताजा अपडेट कोरोना पर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता का जो मरीज था लंदन से लौटा था और इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 2 लाख हो गई है, जबकि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है और वहां मरीजों की संख्या 245 हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ, ग्राउंड डिटेल के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं सुबोध मिश्रा और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से हैं समीर दीक्षित। सुबोध, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के अब तक पाए गए हैं, तमाम सरकार ने कदम भी उठाए हैं एहतियातन, क्या क्या ग्राउंड रियलिटी अभी क्या है? क्या वाकई अब लोगों का भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, अफवाह ना फैलाएं, ग्राउंड रियलिटी आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि कल ही जो हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने लोगों से इस चीज़ की अपील की थी कि जरूरत नहीं है तो घर से ना निकले और बहुत ज़रूरी काम है तो ही निकले, और उसका असर जो है वो दिख रहा है मुंबई में। खासतौर से मुंबई में इस समय मैं चर्च गेट स्टेशन पर हूँ। इस समय आप समझिए तकरीबन 4 बज रहा है और 4 बजे यहाँ पर जबरदस्त भीड़ होती है, लोगों का ऑफिस से घर की तरफ जाने की भीड़ होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर ना के बराबर लोगों की जो है यहाँ पर आवाजाही है। उसी के अलावा यहाँ पर लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहन के या फिर एक दूसरे से दूरी बना के चल रहे हैं। यहाँ पर जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने ये बात स्वीकार की कि जब ज़रूरत पड़ रही है तभी वो निकल रहे हैं। इस आज जब मैं सुबह खुद जब घर से निकला और घर से निकल के जब मैं अपने अपने जो स्टोरी के लिए बाहर आया तो भी मैं आपको बताऊं कि ट्रेन में भी जो है कम लोग दिखे और यहाँ तक कि जो स्टेशंस हैं वहाँ पर भी लोग कम दिखे। तो निश्चित तौर पर लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से ये बीमारी जो एक बचाव ही इसका सिर्फ एक उपाय है उसको अमल करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करके इस बीमारी को दूर करें। जी मृत्युंजय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुबोध ने कही है। ये वो बिल्कुल काबिले तारीफ है कि पब्लिक कहीं ना कहीं खुद अलर्ट है, खुद साफ सफाई पर ध्यान है लोगों का। क्वारंटाइन की जो बात अभी हमने की है, लोग खुद चाहते हैं कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और जो बात यहाँ पर सुबोध भी बता रहे थे कि ट्रेनों में भीड़ काफी कम हो गई है तो लोग खुद भी आप एहतियात काफी बरत रहे हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो इलाके भीड़ भाड़ के लिए जाने जाते हैं वहां पर ताजा हालात क्या है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर चार बड़ी तस्वीर इस वक्त की। आप देखिए सी बीच सुने पड़े हैं जहां पर आमतौर पर काफी भीड़ रहती है, लेकिन बिल्कुल नजारा आपके सामने है, बिल्कुल खाली है। मुंबई में ट्रेनें खाली, मुंबई लोकल भीड़ के लिए जानी जाती है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए मुंबई लोकल में भी जो है भीड़ बहुत कम है और मार्केट में भी आमतौर पर लोग कम निकल रहे हैं और बहुत ही जरूरत पड़ने पर ही निकल रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर लोग इस तरह से खुद ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत जल्द कोरोना पर काबू पा लेंगे। शॉपिंग मॉल में ताला लगा है तो वहां पर भी शॉपिंग नहीं हो रही है, तो सरकार की तरफ से जो कुछ हो रहे हैं निश्चित तौर पर वो भी काफी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर भी, लेकिन पब्लिक ने अपने स्तर पर भी इसे और ताकत दी है इस मुहिम को कि कैसे कोरोना से
बचा जाए, निपटा जाए और कोरोना को हराया जाए। ये तो मुंबई के हालात हो गए, लेकिन चूंकि दिल्ली से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली में तमाम केंद्र के लेवल से बड़े फैसले हो रहे हैं, आज नोएडा में एक और मामले की पुष्टि हो गई है। समीर, क्या ताजा और क्या नई जानकारी है आपके पास कोरोना से जुड़े हुए मामले को लेकर के, और सरकार इस मामले में क्या कर रही है, इन दोनों मामलों को लेकर के आपके पास नई जानकारी क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि आज नोएडा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। ये शख्स, इसका इंडोनेशिया रिटर्न, इसका ट्रैवल जो हिस्ट्री है, ये इंडोनेशिया गया था और वहाँ से वापसी के बाद में जो सैंपल लिए गए थे उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की बात सामने आई प्रशासन ने तुरंत उस शख्स को आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया है और ज़रूरी जाँच के लिए मेडिकल टीम वो प्रोवाइड की है। तो ये एक और मामला नोएडा में जो सामने आया है, इससे कुल मामलों की संख्या वो 4 पहुंच गई है। नोएडा में अब तक कुल 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लेकिन अगर राहत की बात दिल्ली के नज़रिए से करें तो वो ये है कि दिल्ली में अभी तक कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, ये एक राहत की बात ज़रूर नज़र आ सकती है। आपको केंद्र की तरफ से जो कुछ कदम उठाए गए हैं उसके लिहाज से बताएं तो आज डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री, ने सभी बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर, डीन वगैरह के साथ में मुलाकात करी, उनके साथ में एक रिव्यू मीटिंग करी और उसमें इन जो भी तैयारियां अभी तक की गई हैं उसका जायज़ा लिया। एक रिव्यू मीटिंग में ये भी समझा गया कि आगे अगर स्थिति में और इस तरीके से बढ़ोतरी होती है, मामले और बढ़ते हैं, तो क्या कुछ कदम और उठाए जाने। तो मेडिकल टीम के साथ में एक रिव्यू मीटिंग यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने जितने भी लोग जो फ्रंट लाइन पे, यानी कि डॉक्टर और नर्स जो कि ख्याल रख रहे हैं मरीजों का, उनसे ये साफ संदेश उनको दिया है कि उनको भी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा, और इसके लिए अस्पताल प्रशासन को साफ तौर पे कहा है कि जो डॉक्टर और नर्सेज की टीम है उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए, जितना भी जरूरी मेडिकल किट या टेस्टिंग किट की जरूरत है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। तो ये भी एक अच्छा संकेत कि सरकार दोनों तरफ से लोगों पर ध्यान दे रही है, उसका भी एक संदेश यहाँ पर रिव्यू मीटिंग के जरिए दिया गया। लेकिन इन सबके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में और नोएडा में जो तस्वीर हमने आप देखी है कि मुंबई में इतना खचाखच जहां भीड़ रहती है वो खाली सा नजर आ रहा है, ठीक वैसी ही तस्वीर दिल्ली, नोएडा या एनसीआर में भी नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया है। उसका नतीजा यह है कि लोग अपने घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में भी ये अपील की गई है कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो वो अपनाएं, या फिर अगर वो सरकारी दफ्तरों में आ रहे हैं तो विजिटर्स को बिल्कुल भी ना बुलाएं। तो उसका एक बड़ा फायदा ये ज़रूर मिला है कि एक तो पब्लिक गैदरिंग जो रोकने की सरकार की पहली कोशिश है उसमें कुछ हद तक सफलता हासिल हुई है, और उसी दिशा में सरकार लगातार और प्रचार कर रही है कि मामले भले ही बढ़ रहे हों लेकिन इसको रोकने के लिए आम जनता का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के तहत प्रचार किया जा रहा है। मीडिया से भी लगातार इस बात पर संवाद बनाया जा रहा है कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर जब तक ज़रूरी ना हो वो नहीं निकले, और जहां तक संभव हो वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ही अपनाएं। जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये अच्छी बात है कि आप जो कि समीर बता रहे थे कि दिल्ली में भी पब्लिक काफ़ी अलर्ट है और पब्लिक काफ़ी जागरूक है, और मैक्सिमम ये कोशिश है लोगों की तरफ से भी कि बहुत हद तक बचा जाए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से, और अपने आप को अलग थलग करने का प्रयास चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, और सुबोध आपका भी, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या ताज़ा हालात मुंबई और दिल्ली के बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स मंत्री राजेंद्र शिंगणे कोलाबा इलाके के मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे, जहां उन्होंने दवाई की दुकानों का जायजा लिया, सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री के बारे में जानकारी ली। कोरोना की वजह से मास्क और सैनिटाइजर मनमानी कीमतों पर बेचने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद मंत्री ने दवाई की दुकानों का खुद जायजा लिया। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और ऐसी खबरें भी आई हैं कि ज़्यादा कीमतें वसूली जा रही हैं मास्क की और सैनिटाइजर की। तो इसको देखने के लिए एक औचक निरीक्षण यहाँ पर मंत्री की तरफ से किया गया है। कोरोना की वजह से देश और दुनिया में आम लोगों की जिंदगी में अब लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और इसकी एक शुरुआत महाराष्ट्र में वर्क फ्रॉम होम की पहल से देखने को मिली है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया ने अपने रोज के तौर तरीकों में बदलाव लाने शुरू कर दिए हैं, और ऐसे में भारत भी पीछे नहीं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद सरकार के साथ साथ आम लोग भी अपनी दिनचर्या को बदलते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो युद्ध स्तर पर कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं।
साथ ही सरकार ने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू करने की सिफारिश की है। मंगलवार को मुंबई में दफ्तर और बाजारों में बेहद कम लोग नजर आ रहे हैं। निजी दफ्तरों में भी ज्यादातर स्टाफ को कंपनियों ने ऑफिस के बजाय घर से ही काम करने की हिदायत देने के बाद दफ्तरों का हाल कुछ ऐसा दिखा। महाराष्ट्र सरकार की सख्त हिदायत के बाद चीजों में बदलाव जरूर देखा जा सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग थे, उन ये सभी लोगों ने मान्य किया है कि हम वर्चुअल मीटिंग्स ले सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और हम बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग्स लेंगे। हमारा काम 100% बंद रखेंगे, हमारे एम्प्लॉइज को हम नहीं बुलाएंगे। मुंबई में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बीएमसी ने कमर कस ली है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक घर से ना निकलने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी है। इस दौरान बिजनेसमैन को बुलाकर समझाया भी गया। नहीं, आज बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई सरकार के साथ। पहले बार तो हम कॉम्प्लीमेंट किया कि द गवर्नमेंट हैज टेकन सम वेरी गुड स्टेप्स, बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए। आज हमें कॉर्पोरेट्स को बुला के जो मीटिंग की, उसमें उन्होंने हमें समझाया कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे हमसे समझने की कोशिश की हम क्या कर रहे हैं, और कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी ऑलरेडी पॉजिटिव प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लिए अपने एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए। अब जरा मुंबई की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां लोग एहतियातन विदेशों की तरह जमाखोरी को बढ़ा रहे हैं। वजह कोरोना का डर है, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये रियलिटी चेक अंधेरी के एक सुपरमार्केट का है। शॉपिंग करने की कोई खास वजह या फिर ये रूटीन एक शॉपिंग? ये फिलहाल तो खाली प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा हूँ एट दिस मोमेंट। आगे जाके क्या हो जाए, बाकी देशों में सब बंद हो रहा है, तो मैं फिलहाल खाली यहाँ पर खाली अपनी, वो आप देख सकते हो पूरा जो मेरा ही राशन है वहाँ पर जो पड़ा है। तो आप कितने दिनों का सामान जो है जमा करके घर पे रखे हो? क्यों सोच रहा हूँ, पूरा महीने का सोच के निकल रहा हूँ। बाकी लोग के लिए भी करना है, तो अभी मैं अपने बिल्डिंग में जितने नेबर्स लोग के लिए भी ले रहा हूँ, ये मेरे ऑफिस वालों के लिए भी लेके रखा हूँ। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हालात क्या है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के फैसलों को लोग खुद अपने और अपनों के हक में मान रहे हैं।